पे यहाँ पे, यहाँ पे कोई लड़की थी क्या? नहीं कर रहे हैं। थैंक गॉड वो शादी आपकी नहीं थी। थैंक गॉड ये ट्रेनिंग थी। थैंक गॉड आप मुझे मिल गए। अब क्या बोले जा रहे हैं? मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। पर प्लीज मुझे बोलने दो। मुझे जिस दिन बोलना चाहिए था मैं कुछ नहीं बोला। मैं जानता हूँ उस दिन जो हमारी बात हुई काफी अब्रप्ट थी। मुझे कुछ बोलना चाहिए था पर मैं नहीं बोला इसलिए मैं अभी बोलने में बहुत स्टूपिड। मैं ये सब हम बाद में बोलते हैं। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ आई एम सॉरी। मैंने बिल्कुल बच्चे की तरह बिहेव किया। मैं बच्चा ही हूँ। ओके ओके क्या ओके ओके मतलब इट्स ओके रुद्र इट्स फाइन आई अंडरस्टैंड। आपने सॉरी कह दिया आई एक्सेप्टेड इट। अब आप जा सकते हैं। भव्या मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ। तो क्या आप यहाँ रहने वाले हैं क्या? मेरा वो मतलब भी नहीं था। आप मेरे साथ चल रही है मुंबई चलिए। हम मुंबई नहीं जा रहे हैं। हमारी मंजिल अलग है। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हमें जाना होगा। कहाँ पे जा रही हैं? हमारी नई असाइनमेंट पे। कहाँ पे? क्या कर रहे हैं आप? अभी तो सफर शुरू हुआ है। फिर मंजिल अलग कैसे हो सकती? आप जहां जहां जाएंगे मैं वहां वहां आऊंगा। छोटी प्लीज आप अभी समझ नहीं रहे हैं। आप इमोशनल हैं। आप ये सब इमोशंस की वजह से बोल रहे हैं। हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं रूडी। हमारे बीच का फर्क ये क्या सब फर्क? उम्र का फर्क है। अभी ये जस्ट नंबर। मुझे प्लीज एक एक मौका दो। सिर्फ एक मौका। मैं प्रूव कर दूंगा मैं मैच्योर नहीं। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बच गया। पागल है क्या? ऊपर आइए। कुछ भी करते रहते हो। ध्यान से इसको पकड़ के चलो। एक डिब्बे में इतने सारे लोग बैठते हैं क्या? हाँ ऐसे कमाल है। ट्रेन को बाहर से देखने से लगता नहीं कि ट्रेन इतनी स्पेशियस होगी अंदर से। वैसे बचपन से ही मेरा सपना था ट्रेन में ट्रैवल करने का। वो भी आपकी वजह से पूरा हो गया। थैंक्स। अच्छा मुझे विंडो सीट चाहिए। विंडो खाली नहीं है। कोई नहीं। ओए ये वही वाला चेन है ना जो ऐसे खींचो तो ट्रेन रुक जाती है। मैंने मूवीज में देखा। मैं ट्राई करूं क्या? अरे नहीं क्या करें आप पागल हो गया क्या? ये चेन सिर्फ इमरजेंसी में खींचते हैं। कोई मजाक नहीं है। मतलब इसे खींचेंगे तो सही में ट्रेन रुक जाएगी? और नहीं तो क्या? ऐसा प्लेन में क्यों नहीं होता कुछ? क्योंकि प्लेन चलता नहीं उड़ता है। पॉइंट ना? हाँ तो मैं कह रहा था कि बचपन से मेरा सपना था कि मैं ट्रेन में ट्रैवल करूँ। और वो ट्रेन के अंदर आती वो गाना ना चाहिए।
काश हम ऊपर जा सकते होते। वैसे ऊपर कैसे जाते हैं? ट्रेन के नीचे आके। Got it? I got it, smart kid. रूटी, क्या हो गया? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं कि जैसे आप ट्रेन पर नहीं चांद पर आ गए हैं? ये चांद से कम नहीं है मेरे लिए जगह। कह रहे हैं ये सब छोड़िए, चांद वहां तो आते रहते हैं। और बताइए आप, हाउ व्हाट? कितना फर्क है ना हम दोनों में। दोबारा स्टार्ट मत हो जाइए प्लीज। फर्क है, फर्क है। ये बहुत गर्मी है, एसी ऑफ है क्या? हाँ, क्योंकि ये नॉन एसी कंपार्टमेंट है ना, इसलिए। मतलब हमें गर्मी में ट्रैवल करना पड़ेगा? इसीलिए तो हम कह रहे हैं आप थोड़ी जगह बना के ना बैठ जाइए। आइए। इट्स ओके, इट्स ओके, आप बैठ जाइए। 8 घंटे का सफर है रूटी, क्या आप खड़े रहेंगे? 8 आवर्स। 8 घंटे? भाई साहब जरा साइड पे हो ना। 8 घंटे सुन के थोड़ी घबराहट होने लगती है ना भाई साहब। 8 घंटे कम से कम लगेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। पिछली बार तो 15 घंटे हो गए थे। 15 घंटे? अच्छा भैया के चौपर में चल लेते हैं। टिकट? ये कौन है? टीटी। माही? क्या माही? धोनी अपना, वो भी पहले टीटी था। नहीं नहीं, टिकट 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 नहीं है मेरे पास। गवर्नमेंट स्टाफ। और आपका टिकट? मैं इनके साथ हूँ। तो पास दिखाइए। पापा, पास नहीं है, पर मैं पास आके दिखा सकता हूँ। टिकट भी नहीं है और पास भी नहीं है। देखिए ये हमारे साथ। हाँ, साथ में। गवर्नमेंट में 1+1 अलाउड होता है ना? हाँ, लेकिन मैडम इनकी टिकट लगेगी और इनके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। नाम बताइए। रुद्र सिंह ओब्रॉय। एज? 24। आपका छोटा भाई है? Excuse me, कौन से एंगल से भाई बहन लग रहे हैं? नहीं, ये हमारे छोटे भाई नहीं है, ये यार फ्रेंड्स हैं, हम दोस्त। पेनल्टी दीजिए। मुझे पेनल्टी दे दो ना, मेरे पास चेक्स ही होते हैं, छुट्टे में रखता नहीं। सारा का सारा मूड खराब कर दिया बुड्ढा।